जय अश्विनव। आज हम देखेंगे अश्विनी कुमार कैसे प्रसन्न होते हैं और अश्विन कुमार को क्या प्रिय है। ओम अश्विना यज्वरीरीशो द्रवत्पाणी सुबस्पति पुरुभुजा चनश्यतम। प्रत्येक नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता होते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र अश्विनी है और उसके अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार है। भविष्य पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं अश्विनी नक्षत्र में उनके अधिपति दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। अपने नक्षत्र में अश्विनी कुमार सविशेष प्रभावी रहते हैं। उस दिन अश्वी देवों की पूजा करने से दोनों अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न होते हैं एवं मनुष्य को दीर्घायु एवं व्याधि मुक्त बनाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि दोनों अश्विनी कुमारों का आविर्भाव भी अश्विनी नक्षत्र में हुआ था, अतः अपने जन्म नक्षत्र के समय में अश्विनी कुमार विशेष प्रभावी एवं प्रसन्न रहते हैं। उस दिन अश्विनी कुमारों का पूजन किस तरह करना चाहिए। ऋग्वेद में मधुच्छदा ऋषि बताते हैं कि अश्विना यज्वरीरीशो, अर्थात अश्विनी कुमार यज्ञ से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतः उनके नक्षत्र में अश्वी याग या सोम याग करना चाहिए। अश्वी देवों की सोम रसपान में अत्यंत स्पृहा बनी रहती है। ऋग्वेद में काण्वो मेघातिथि ऋषि कहते हैं कि यत्र सोमिनो गृहम, अर्थात जहां सोम याग होता है दोनों अश्वी देव वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। अश्विनी कुमारों को के बिठाने के लिए दर्भासन बिछाना चाहिए। दर्भासन पवित्र है और अश्वी देवों को अत्यंत प्रिय है। अश्विनी कुमार नदियों को माता मानते हैं, अतः उनके लिए भारतवर्ष की पवित्र नदियों के जलकुंभ वह रखना चाहिए। अश्विनी कुमार अश्विना पिबतम मधु, अर्थात मधुपान करने वाले एवं मधु का दान करने वाले देवता है, अतः उनके पूजन में मधु रखना चाहिए। मधुपर्क में भी अश्विनी देवों की स्पृहा बनी रहती है। वाराह पुराण में मधु दही और घृत समान भाग मिलाने से मधुपर्क निर्माण होता है। मनुस्मृति में दधि घृत मधु गुड़ जल इन पांच के योगों को मधुपर्क कहते हैं। दोनों अश्वी देवों को तपाया हुआ दूध भी पसंद है। अश्विनी कुमार सोमरस के साथ दूध या मधु मिलाकर भी पान करते हैं। अश्वी देवों का निजी वृक्ष आमल की है। फिर भी कल्पवृक्ष या पारिजात के वृक्ष से भी दोनों अश्विनी कुमार अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर अश्विनी कुमार की उपासना या आह्वान करना हो तो उनका मंत्र जाप आमलकी या पारिजात के वृक्ष के नीचे बैठकर करना चाहिए। उनके लिए यज्ञ की संहिता में भी आमलकी पारिजात इंगूदी पलाश अश्वत्थ बिलवादी वृक्ष का समिध लिया जाता है। नवग्रह के समिध का हवन में प्रयोग कर सकते हैं। अश्विनी कुमारों को अमृता अर्थात गुड़ुचि प्रिय है। आहुति में गुड़ुचि के साथ कर्पूर चंदन अगर जटामांसी आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अगर रोग निवारण के लिए अश्वी याग करना हो तो जिस औषध से जो व्याधियां ठीक होती है उसी का ही हुद द्रव्य बनाकर आहुतियां देनी चाहिए, ऐसा यज्ञ मीमांसा का कथन है। अश्विनी देवों को नैवेद्य में कृसरा अर्थात खिचड़ी प्रिय है। अहदर एवं पवित्र धान्य से खिचड़ी बनानी चाहिए। फलों में उसे नागरंग अर्थात नारंगी प्रिय है जो उन्हें समर्पित करनी चाहिए। उनका भोग केले के पत्ते में लगाना चाहिए। अश्विनी देवता को ऋग्वेद की ऋचाएं अत्यंत प्रिय है। उषा काल में स्वर के साथ उनकी ऋचा का गान करने से दोनों देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उस समय याचक जो याचना करता है प्रसन्न अश्वी देव उनकी पूर्ति करते हैं। अश्वी देवों की आराधना का समय सूर्योदय से पूर्व उषा काल माना गया है। सायंकाल उनके लिए असेवनीय या यजुष्ट बताया गया है, जो कि आंगिरस तथा प्रजकुल के अनेक ऋषि मुनि तीनों सवनों में अश्वी याग किया करते हैं। अतः उस कुल के लोग आरोग्यवान पुत्रवान धनवान कीर्तिमान एवं तेजस्वी रहा करते हैं। हमें भी उस तरह का सुख प्राप्त करना हो तो अश्विनी नक्षत्र के दिन उषा काल में ऋग्वेद के मंत्रों से अश्विनी देवों की अवश्य उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जय अश्विना।